नमस्कार, आपण पाहत आहात परभणी न्यूज. मी राहुल गायकवाड आजच्या या बातमीपत्रात आपलं स्वागत करतो. पाहूया शहरात. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर हे पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरावर 1,00,000 वारकऱ्यांसह धडकणार असून राज्यातील मंदिरं खुली करावी या मागणीसाठी ते आंदोलन करणार आहेत. ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्या भूमिकेला सर्वत्र पाठिंबा मिळत असून परभणी जिल्ह्यातून सुमारे 4,000 लोक पंढरपूरला जाणार असल्याची माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे विभागीय प्रवक्ते डॉक्टर धर्मराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. परभणीमधून बसेस व खाजगी वाहनाद्वारे वारकरी आणि वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते जाणार असल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी महिला आघाडीच्या डॉक्टर चव्हाण, मराठवाडा प्रशिक्षक डॉक्टर सुरेश शेळके, नितीन सावंत, जिल्हा अध्यक्ष आलमगीर खान, जिल्हा संघटक भैयासाहेब भालेराव आदींची उपस्थिती होती. किस तरह से यूपीएससी एग्जाम में इतनी संख्या में मुसलमान का नाम लेते हुए कि यूपीएससी में आईएएस आईपीएस अधिकारी ये समुदाय से इतनी संख्या में कैसे पास होकर आ गए, यानी कि एक जातिवाद का दर्शन दिखाते हुए चैनल एक अपना जहरीला या भड़काऊ किस्म का अपनी भूमिका निभा रहा है. उसके चलते हमने ये कंप्लेंट परभणी में आज ये रजिस्टर्ड करवाएंगे, कंप्लेंट दर्ज कराएंगे. इसकी कॉपी मैं देता हूं आपको और इसका एक लिंक भी आपको मैं अभी आपको सुना देता हूं और सारे देश भर से इसकी आलोचना की जा रही है. और पिछले छह महीने से जो देश की हालात और स्थिति रही है लॉकडाउन को चलते और प्रशासन की नाकामी, यानी कि बिल्कुल असफल प्रशासन रहा है, सरकार असफल रही है और असफल जो लॉकडाउन सारे देश भर में किया गया वो लॉकडाउन करने के हमारे सामने क्या फायदे हुए ये सारी जनता जानती है. अगर लॉकडाउन के चलते कोविड-19 केसेस में कमी होती तो ये हम सरकार की सफलता मानते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ लॉकडाउन को देखते हुए लॉकडाउन जनता के ऊपर थोपना और आर्थिक स्थिति को ठप करना और साथ ही साथ प्रशासन या सरकार इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती कि यहां पर चिकित्सा केंद्र में क्या सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है. अगर लॉकडाउन करने से कोई बीमारी दूर होती है तो आज हमारे देश भर में 20,00,000 के ऊपर केसेस नहीं होते. उसी को देखते हुए आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित बहुजन अघाड़ी ने कुछ ही दिन पहले तकली बजाओ आंदोलन सारे राज्य भर में किया था और उसका परिणाम और तकली बजाओ आंदोलन को लेकर जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू करना चाहिए उस पर सरकार पर दबाव डाला गया और सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चालू किया. हम यह कहना चाहते हैं कि अभी 31 अगस्त को हमारे वारकरी समाज जहां पर पंढरपुर में 31 अगस्त को आंदोलन किया जाएगा, वहां पर दर्शन किया जाएगा और यहां हमारे महाराज नितिन साहब के नेतृत्व में वंचित बहुजन अघाड़ी अपना पाठिंबा देती है और उनके साथ हम सभी लोगों को निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पंढरपुर पहुंचे, दर्शन करें और हम प्रशासन को भी ये कहना चाहते हैं यहां पर कि जनता के बीच जनता के प्रति आप जागरूकता पैदा करनी चाहिए. अगर किसी महामारी को देश भर में बताया जा रहा है मीडिया के माध्यम से और मीडिया को भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि सब लोग
डॉक्टर्स को एक कोविड वॉरियर कहा गया, पुलिस प्रशासन को कहा गया, तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप जो खबर पहुंचाते हो जनता तक, तो आप भी कोई कोविड वॉरियर से कम नहीं है। आप लोग भी एक योद्धा हो, कोविड योद्धा हो, जो अपनी खबर को, सच्ची खबर को जनता तक पहुंचा रहे हो। तो हमारा मानना यह भी है कि प्रेस रिपोर्टर जो अपना काम करता है वो भी एक कोविड वॉरियर है। तो प्रशासन को जरूरी है कि प्रशासन यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं उपलब्ध है, कितने यहाँ पर वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या सुविधा उपलब्ध की जा रही है, बीमार लोगों को क्या सहायता दी जा रही है, इस पर ध्यान देना चाहिए। ना ही बनकर ये आर्थिक व्यवस्था को ठप करना, और जो धार्मिक स्थल है जहां पर हम प्रार्थना करते हैं उसको बंद करके रखना, ये हम समझते हैं कि सरकार अभी है, इसको खत्म करना चाहिए और स्थिति को सामान्य तौर पर और जनता को अपनी सुरक्षा करने के लिए जनता के प्रति जागरूकता पैदा करना ये प्रशासन को करना चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। राज्य महिला परीक्षा सचिव आदरणीय डॉक्टर चौहान डॉक्टर मनोराज चौहान सर, जिला विभागीय प्रभागीय प्रवक्ता तसेच अभक महाराज नितीनजी आणि सर्व प्रकार बंधूंनो, सर्वप्रथम कृषी झाल्याबद्दल दिली व्यक्त करतो हिमली होणार त्यामंतर सुद्धा। तर 31 ऑगस्ट महाराष्ट्रभरात आज एकच चर्चा आहे, पंढरपूर विठ्ठलाचं मंदिर पूर्ण बहुजनांच्या मंदिरचं आराध्य दैवत विश्वस्त आणि आज ते बंद आहे। एवढंच महाराष्ट्रातले सर्व मंदिर बंद आहेत। बाळासाहेब आंबेडकरांची जी भूमिका आहे ती ही मंदिराच्या आसपास असणाऱ्या जी छोटी मोठी व्यवसाय आहे त्यांचे व्यवसाय त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न आहे। 5 महिन्यापासून सर्व जे बंद आहे, आजच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये सर्व दुकान सुरू आहेत, मॉल सुरू आहेत, इतकंच नाही तर दारूची दुकान सुद्धा सुरू आहेत, पानपत्र्या सुरू झाल्या आहेत। या सर्व सुरू असताना सुद्धा मग मंदिराचा बंद आहे, मंदिराचं सुद्धा पूर्णपणे आणि याचबरोबर आजचं हे बातमीपत्र संपलं। शहरातील ताज्या घडामोडीसाठी पाहत रहा परभणी न्यूज। तोपर्यंत नमस्कार।